So write down Human Genome Project. Started in 1990. Started in 1990 and completed in 2003. ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए. प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. कॉमा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. ये दो मेन थे. कॉमा करके अदर पार्टनर्स आर वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके. वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. इट वॉज ए मेगा प्रोजेक्ट. एंड इट एम्ड एट फर्स्ट है टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन्स प्रेजेंट इन ह्यूमंस. To identify all the genes present in humans. That is about 20,000 to 25,000 genes. That is about 20,000 to 25,000 genes. Second है, क्या aim और क्या था? एक तो सभी genes को पहचानना भी, क्या कौन सी जीन्स प्रेजेंट है, फंक्शनल है. टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन, क्योंकि 6.6 था ना, तो एक जीनोम में तो 3.3 ही बिलियन थे. 3 बिलियन बेस पेयर्स टू सीक्वेंस था, कि क्या क्या सीक्वेंस है एक जीनोम में बेस पेयर्स का. टू डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर 3 बिलियन बेस पेयर्स विच मेक्स अप ह्यूमन डीएनए ऑफ वन जीनोम. थर्ड था स्टोर ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस. Store all this information in databases. Fourth है to improve the tools for data analysis. To improve the tools for data analysis. Next है transfer of these technologies to the industries. Transfer of these technologies to the industries. और last है
एड्रेस द ADDRESS एड्रेस द एथिकल कॉमन लीगल एंड सोशल इश्यूज, ब्रैकेट में लिख लेना, इसको इन्होंने कहा एथिकल लीगल सोशल इश्यूज, ELSI, एथिकल लीगल सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट, दैट मे अराइज फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट. ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, मेजर पॉइंट आ जाइए. एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट $9 billion. $9 billion. नेक्स्ट है, इट डेवलप्ड अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस, इट डेवलप्ड अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बेटा बायो इन्फॉर्मेटिक्स में क्या है, डाटा को कंप्यूटर्स में मतलब स्टोर करना और उसकी एनालिसिस करना. कोई और काम कर रहा है, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट्स के डाटा को बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाले क्या करते, एक्सपेरिमेंट्स किसी ने किए, डाटा दिया, उस डाटा को कंप्यूटर में डाला बायो इन्फॉर्मेटिक्स वालों ने और फिर उसको एनालाइज करके रिजल्ट्स निकाले. ठीक है, इट गेव राइज टू अ न्यू ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज बायो इन्फॉर्मेटिक्स. नेक्स्ट पॉइंट है, द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड वॉज क्रोमोसोम 1. द लास्ट क्रोमोसोम सीक्वेंस्ड वॉज क्रोमोसोम 1 इन May 2006 2003 में. बाकी सारा प्रोजेक्ट खत्म हो गया था, फर्स्ट क्रोमोसोम जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम था उसका सीक्वेंस नहीं पूरा हुआ था, वो 2006 में पूरा हुआ. द लास्ट क्रोमोसोम टू बी सीक्वेंस्ड वॉज क्रोमोसोम 1 एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन 2006. नेक्स्ट आ जाइए, आफ्टर सीक्वेंसिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, द जीनोम ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, द जीनोम ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज ड्रोसोफिला, कॉमा वेरियस बैक्टीरिया कॉमा यीस्ट कॉमा सीनोरेबडाइटिस. सीनो COENO रेबडाइटिस एलिगेंस, दिस इज फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड. फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमेटोड. कॉमा राइस एंड रेब एंड इरेबिडोप्सिस. ये भी एक प्लांट है. जीनोम्स आर ऑल्सो सीक्वेंस्ड,
आर ऑल्सो सीक्वेंस्ड, इन सभी ऑर्गेनिजम्स के जीनोम्स भी सीक्वेंस किए गए। नेक्स्ट पॉइंट है मेन मेथडोलॉजीज, नेक्स्ट टॉपिक लिख लेना, मेन मेथडोलॉजीज या मेथड्स यूज्ड इन एचजीपी। फर्स्ट है ESTs, हम यूज्ड इन एचजीपी, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ESTs, ESTs की फुल फॉर्म है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ये एक टेक्नोलॉजी है, इसके आगे लिख लो, इट फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स विच ट्रांसक्राइब टू फॉर्म आरएनए, कोई सा आरएनए। इट फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स which transcribe to form RNA. Second आ जाता है sequence annotation, ये तो था ETS expressed sequence tags. Second process है sequence एनोटेशन। ये थोड़ा सा उससे आगे चला गया, उसने सिर्फ उन जीन्स को सीक्वेंस किया जो आरएनए बनाती है, जबकि ये कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सारे डीएनए को सीक्वेंस करता है। इट एम्स एट कोडिंग ऑल द सीक्वेंसेस, it aimed at sequencing all the whole of the genome keh lijiye, it aimed at sequencing whole of the genome having coding and non coding regions. And later assigning different regions in a sequence. And later assigning, पहले तो code कर लिया भी क्या 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 है, और फिर उनको different assign कर दिया कि ये यहां पे present है, ये यहां पे, ये यहां पे, and later assigning different regions in a sequence with functions. फिर उनके functions भी क्या है, ठीक है जी। तो दो main जो थी sequencing के लिए, और भी बहुत, ये तो बहुत mega project था, हम तो बस ऐसे ही जरा सा, मतलब 0.1% के करीब हम आपको बता रहे हैं कि पहला था ETS और दूसरा था sequence annotation. सीक्वेंस एनोटेशन ने पूरा जीनोम सीक्वेंस किया, जबकि जो ETS थे वो सिर्फ फंक्शनल रीजंस को सीक्वेंस कर रहा था, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब सेकंड, ये तो दो टेक्नोलॉजीज मेन थी, सेकंड पार्ट ऐसे करके लिख लेंगे, फॉर सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग के लिए किया क्या, फॉर सीक्वेंसिंग The human DNA is cut into fragments, comma,
separated by gel electrophoresis. Separated by gel electrophoresis. Mom spelling. Separate gel electrophoresis, beta. Okay. अच्छा अभी बायोटेक्नोलॉजी में आएगा, अभी आपने किया नहीं। सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, देन कॉमा करके एम्पलीफाइड, इनका नंबर भी तो बहुत सारा चाहिए, एम्पलीफाइड बाय पीसीआर। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये हम सारा अभी करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। एम्पलीफाइड बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड देन क्लोन्ड इन, हर फ्रेगमेंट को क्लोन किया गया एंड देन क्लोन्ड इन, क्लोन मतलब उसको किसी बैक्टीरिया में डाल दिया गया या किसी होस्ट में, क्लोन्ड इन सुटेबल होस्ट यूजिंग स्पेशलाइज्ड वेक्टर्स। द क्लोनिंग ऑल्सो हेल्प्स इन, पीसीआर से भी हम कर सकते हैं इसकी मतलब एम्पलीफिकेशन, और क्लोनिंग से भी। द क्लोनिंग ऑल्सो हेल्प्ड इन एम्पलीफिकेशन ऑफ ईच सेगमेंट। द कॉमनली यूज होस्ट जिनमें क्लोनिंग के लिए डाली गई हमारी ह्यूमन जीन्स, द कॉमनली यूज होस्ट, नेक्स्ट पॉइंट करके, द कॉमनली यूज होस्ट वर बीएस बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ब्रैकेट में लिख लेना यीस्ट, कौन सी फंजाई, यीस्ट। Commonly used hosts were bacteria and fungi. Fungi कौन सी है, yeast. And the vectors were BAC, bacterial artificial chromosome, ये हमने labs में बनाए, and YAC. Yeast artificial chromosomes. ठीक है जी, फिर नेक्स्ट थर्ड मेजर पॉइंट कीजिए। पहले हमने ह्यूमन जीनोम को छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, फिर हर फ्रेगमेंट को अलग किया, हर फ्रेगमेंट को BAC या YAC के साथ जोड़ के हमने बैक्टीरिया और यीस्ट में डाल दिया। जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई हुए, साथ ही साथ ह्यूमन जीन जो उसमें गई थी वो भी मल्टीप्लाई हो गई। हमने फिर वो ह्यूमन जीन उसमें से निकाली और उसको सीक्वेंस करने की कोशिश की, तो कैसे की, थर्ड पॉइंट है, द फ्रेगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड Using automated DNA sequencers, automated DNA sequencers developed by Sanger, Sanger. बेटा इसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर भी दिया था, Sanger, ब्रैकेट में लिख लेना। Also explained the structure of insulin. ठीक है जी, थर्ड में ही सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए,
based on some overlapping regions. These sequences were then arranged. ये सिर्फ हम याद कर सकते हैं, बाकी हमें कैसे किया क्या मकसद था ये नहीं हम एटलीस्ट इस लेवल पे डिस्कस कर सकते. These sequences were arranged based on some overlapping regions present on them with the help of computers. क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते, कंप्यूटर्स ही उनको अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. ठीक है. एंड दीज सब लास्ट पॉइंट है, दीज सिक्वेंसेस वर देन असाइंड टू ईच क्रोमोसोम. और फोर्थ पॉइंट बस लास्ट है, फाइनली जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑफ द जीनोम वर कंस्ट्रक्टेड. बाय यूजिंग restriction endonuclease restriction sites, by using restriction endonuclease recognition sites and microsatellites. Mama and micro satellites, repetitive satellite region क्या होता है, repetitive DNA. ठीक है जी. उसके बाद last topic आ जाता है ऊपर, major topic है salient features of HGP. Salient features of HGP कि क्या observations क्या आई HGP से. Human genome has, एक genome की बात कर रहे हैं, one human genome has, first point लिख लेना, 3164.7 million nucleotide bases. 3164.7 million nucleotide bases. Second है, average gene consists of 3000 bases. एवरेज जीन है, फुल स्टॉप करके इसके साथ ही लिख लो, लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन जीन. आपको बताया था मैंने ये एक प्रोटीन होता है, इसकी एक जीन है, लार्जेस्ट जीन इज डिस्ट्रोफिन जीन हैविंग 2.4 मिलियन बेसिस. एवरेज जीन जो है उसमें 3000 है बट वेरी करते हैं. तो लार्जेस्ट जीन जो है दैट इज डिस्ट्रोफिन जीन हैविंग 2.4 मिलियन बेसिस. थर्ड पॉइंट है, इनिशियली इट वॉज थॉट that there are about 80,000 to 1,40,000 genes. सबसे पहले जब शुरू हुआ था HGP तो यही मानते थे that there are 80,000 to 1,40,000 genes. But
after HGP, after HGP, it is known that there are about 30,000 genes. Full stop karke. 99.9% nucleotide bases. 99.9% nucleotide bases are present in, are similar in all humans. Next point hai. The functions of about 50% of the genes are not known. The functions of about 50% genes are not known. Kyun ye padi hai, kya hai, kya nahi, abhi bhi nahi pata chala. Next point hai. Less than 2% of the genome, less than 2% of the genome code for proteins. Code for proteins. Next hai, very large part of the human genome, non-functional hai. Very large part of the human genome has repeated sequences or repetitive sequences. Repeated sequences. Next point hai. Repetitive sequences in the DNA. Repetitive sequences in the DNA are stretches of DNA sequences. Are stretches of DNA sequences. ATGGC, 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 ATGGC. ऐसे करके repeat हो रहे हैं. That are repeated 100 to 1,000 times. 100 to 1,000 times. These sequences do not code for any RNA. These sequences do not code for any RNA. But they shed light on. Hum kehte hain prakash dalte hain. They shed light on structure, dynamics and evolution. Structure, dynamics and evolution. Next hai. Largest chromosome is chromosome 1, having 2968 genes. Bas beta, upar niche karke do teen line hi hai. Having 2968 genes. And smallest is Y chromosome. Sabse largest first chromosome, smallest is Y chromosome, having 231 genes. Aur last hai, scientists have identified, last point hai, aaj ke liye bhi HGP ka bhi.
scientists have identified about 1.4 million locations. Where single base DNA differences occur in humans. एक एक बेस से डिफरेंस है, मतलब बाकी सब में, मतलब 1-2 सभी ह्यूमंस में सेम है, बट इतने 1.4 मिलियन लोकेशंस है जहां पे क्या डिफरेंस है, एक एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है. वेयर सिंगल बेस डिफरेंसेस अकर इन ह्यूमंस. ब्रैकेट में लिख लो SNPs, SNPs. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. एंड लास्ट लाइन दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस This information promises to revolutionize the process of finding chromosomal locations, revolutionize the process of finding chromosomal locations. For disease associated sequences and tracing human history, disease associated sequences and tracing human history. ठीक है जी, तो दिस इज अबाउट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट.